थोड़ी हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आपको करना है कि आपको सबसे पहले अपने सारे बालों को एक साथ ले लेना है और एक पोनी बना लेनी है, हाई पोनी टाइप। बहुत ही इजी है, कोई भी बना सकता है और बहुत ज्यादा अभी ये वायरल भी हो रहा है, ये वाला बन हेयर स्टाइल, क्लचर बन हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से लेंगे एंड आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग एक क्लचर ले लीजिएगा, ओके। और बालों को नीचे की तरफ करके ऐसे एक ऐसा क्लचर लीजिएगा कि आपके पूरे बालों में आ जाए। उसके बाद बालों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अच्छे से कॉम कर लेंगे और क्लचर को बालों को इस तरीके से फैलाएंगे ताकि सारे हेयर जो है वो अच्छे से, सॉरी जो क्लचर है वो अच्छे से हाइड हो जाए। इस तरीके से पूरा अच्छे से क्लचर हमारा हाइड हो गया है। उसके बाद आपको लेना है एक पतला वाला रबड़ बैंड और जितनी दूरी पे आपका क्लचर है उसके जस्ट ऊपर आपको ये रबड़ लगा देना है, ओके। अब ये रबड़ के अंदर सारे हेयर को इस तरीके से इंसर्ट करना है ताकि अगर आपके पतले बाल भी हैं तो क्लचर आपके दिखाई ना दे। अब इस तरीके से करेंगे, बहुत ही इजीली आपका बन बन के रेडी हो जाएगा और एक मिनट में आप आराम से ये बन बना सकते हो। और इस तरीके से यूपिन लगा देंगे तो काफी प्यारा बन है और बहुत इजी है। आप इसको साड़ी के साथ, सूट के साथ, एवरीडे हेयर स्टाइल में गर्मियों के लिए यूज बना सकते हो। कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आप चाहो तो एक दो यूपिन और ऐड कर सकते हो, मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है या फिर वेडिंग में भी इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में भी आपको इस तरीके से पोनी तो बनानी ही बनानी है, बट आपको पोनी का हाफ ईयर लेना है इस तरीके से और क्लचर को बीच में लगाना है। जस्ट पोनी के ऊपर, ओके। अब आपको ऊपर के हेयर को टू पार्ट में डिवाइड करना है और इस तरीके से नीचे की तरफ से लेके आएंगे, ये वाला हेयर रहते ही छोड़ना है और तीन से चार बार इसको लपेट लेंगे जितना भी आपके बालों का लेंथ हो। इसके बाद एक यूपी ना ऊपर में सेंटर में लगा दोगे और टाइटली नीचे की तरफ ये यूपिन अच्छे से, मतलब ये बालों को सिक्योर करते हुए नीचे की तरफ भी एक यूपिन लगा देंगे इस तरीके से और एक दूसरी साइड भी लगा देंगे ताकि अच्छे से हमारा जो बन है वो लॉन्ग टाइम तक टिका रहे और जल्दी खुल ना जाए। अब बाकी बचे बालों को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगेन इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ट्विस्ट कर देंगे। ये वाला भी इजी है, एक क्लचर से दो इजी सेल्फ बन आप बना सकते हो और इसको इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट देंगे और नीचे के जो बेबी है उनको हाथों से इस तरीके से सिक्योर करते हुए यूपिन लगा देंगे जहाँ पे आपके ट्विस्टिंग वाले हेयर का लास्ट पॉइंट हो। अगेन दूसरी साइड भी जो बचे हुए बाल हैं उनको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड ट्विस्ट कर देंगे। पूरा एंड तक ट्विस्ट कर देंगे। और इस तरीके से साइड से लेके जाएंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे एंड यूपिन से सिक्योर कर देंगे। तो बहुत इजी है, कोई भी इसको बना सकता है। बाकी आप बताइएगा आपको दोनों हेयर स्टाइल में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। जहाँ जहाँ आपको लगे कि यूपिन की ज़रूरत है वहाँ पे आप यूपिन लगा दीजिएगा। बाकी ये है बन का फाइनल लुक। क्लचर हाइट भी कर सकते हो और चाहो तो इस तरीके से करके यूपिन लगा दोगे तो ये दिखने भी लग जाएगा और हाइट करना है तो आप इस तरीके से क्लचर को हाइट कर सकते हो। तो ये है बन का फाइनल लुक। एवरीडे में गर्मियों के लिए ये वाला बन भी काफी अच्छा रहेगा। तो आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।